फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल माय लिटिल फेरेलिन गार्डन और पेट्स में। तो आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि हम लोग गार्डनर्स लोगों को ये सिरेमिक के प्लांटर्स बहुत पसंद आते हैं और प्लांटर्स लगते भी काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से इसमें एक ही हॉल होता है और वो अनइवन होता है। तो जैसे कि इसमें तो ये जो है यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जो पानी पानी होता है तो वो नीचे ड्रेन आउट नहीं हो सकता है, तो इसकी वजह से और इसमें फंगस आ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, देखिए ये मेरे पचीरा का प्लांट है, उसमें जो नई ग्रोथ है वो भी ख़राब हो रही थी और पुरानी ग्रोथ है वो तो कम्प्लीटली ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें ज़रूर ही कुछ रूट में प्रॉब्लम होगी, तभी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें फंगीसाइड मैंने बहुत सारा डाला था जब पोटिंग मिक्स तैयार की थी तभी, तो उसमें ये प्लांट तो बच गया। फिर निकाल के भी मैंने उसमें फंगीसाइड डाल दिया था और अभी धो के मैंने तैयार करके रख दिया है और अभी मैं उसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरफेस होती है, ये पानी मैंने लाल करके रखा है क्योंकि ये गमला वाइट है और वाइट और इसमें थोड़ी मिट्टी लगी हुई है तो इसमें दिखेगा नहीं कि पानी। तो ये जो हम पानी डाल रहे हैं तो वो पूरी तरीके से ड्रेन आउट नहीं होता है, इतना इतना पानी इसमें रह ही जाता है। तो ये जो पानी रह जाता है वही हमारे यहाँ पे मिट्टी गीली करके फंगस का कारण बनता है। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है ये टाइप का ये हॉल के पास में जो सरफेस है वो खड़ी होती है, तो उसकी वजह से पानी आजू बाजू ये एरिया में बच जाता है। तो उसी की वजह से हमारे प्लांट्स ख़राब होते हैं। और मेरा ये काफ़ी पुराना प्लांट है, ये मिनिएचर एंथूरियम, तो वो इसमें लगा हुआ था, मुझे नर्सरी वाले ने ही लगा के दिया था, 2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा काफ़ी पुरानी बात तो है नहीं, लेकिन इसमें लगा था। तो उसमें पानी, मतलब हम लोग गार्डनर लोग जो होते हैं तो कुछ प्लांट्स को शेड में रखते हैं, कुछ प्लांट को धूप में रखते हैं। तो ये है शेड में रखने वाला प्लांट, जिसको कि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके तने के पास ग्रो करते हैं, तो उसी की वजह से मैंने उसको बैल्कनी में थोड़े प्लांट्स के बीच में रखा हुआ था। और प्लांट्स को पानी पिलाते वक्त इसमें भी पानी जाता है, मैं उसमें सिर्फ पानी स्प्रे करती थी, बट उस दिन पानी चला गया और इसके जो ये जो लेग्स है उसके अंदर पानी होल्ड हो गया और बाकी जितना निकला उतना निकला, बाकी का पानी यहाँ पे होल्ड हो गया, तो उसी की वजह से फंगस लग गया था। तो उसी के पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, जो आपको ये पत्ते पीले दिख रहे हैं ये वाले, तो ये उसी की साइन है कि ये इसमें रूट रॉट हो चुका था, कम्प्लीटली रूट रॉट था और प्लांट भी एकदम बीमार सा लग रहा था। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं इसमें से रिपोर्ट कर दूंगी। अभी मैंने उसमें देखा कि वो ये पानी इसके लेग्स में भर रहा है और उसी का फंगस ऊपर चढ़ रहा है, तो मैंने उसको इमिडिएटली गमला खाली किया और इसी तरह सीमेंट से, जैसे कि पानी इस तरीके से ड्रेन आउट हो जाए, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके ऊपर रखती हूँ और देखिए फ्रेंड्स जैसा मैंने ये पानी डाला और ऐसा ही नीचे निकल गया। तो इस तरीके से पानी हो जाए, ऐसे ही मैंने ये पूरी ढलान वाली सरफेस बना दी, जैसे कि यहाँ पे पानी ना ठहरे और हॉल नीचे की साइड हो और ये ऊपर की साइड हो, तो पानी यहाँ से आसानी से निकल सके। तो मैंने इसको भी इसी तरीके से कर दिया है और अभी उसमें कोको चिप्स और ये जो कोकोपीट होता है और ये अपना कंपोस्ट होता है वो डाल दिया है मैंने उसमें। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी हेल्थ की इशू के चलते, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके उतना बोलने की। तो फ्रेंड्स इसमें से पानी अभी ड्रेन आउट हो जाएगा और जितना पानी इसमें होल्ड होना होगा चिप और जो कोकोपीट है उसमें होल्ड करके रखेगा, बाकी का ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये मैंने 1 वीक पहले किया था, ये 1 वीक में इतनी अच्छी ग्रोथ करी है, मैंने ये येलो लीव्स नहीं निकाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये प्लांट टोटली ख़राब हो, क्योंकि उसमें कोई फंगस वगैरह ऊपर की साइड में कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको
सबको इसमें से मतलब ये भी सारे लीव्स येलो हो रहे थे, तो अगर मैं उसमें से सारे लीव्स निकाल दूँ तो ये अपना ब्रीदिंग नहीं कर पाता और ना ये सूरज की रोशनी ले पाता, तो इसके लिए मैंने इसको एज इट इज़ रखा हुआ है, उसको भी एज इट इज़ रखा हुआ है। तो उसमें से मैंने यहाँ इसमें से एक निकाल के मैंने ये मिट्टी के गमले में ग्रो कर दिया था। और ये कुल्हड़ है, हकीकत में ये कुल्हड़ है, मैंने इसमें छेद करके लगा दिया ताकि जो भी पानी है ये एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से भी ये सरफेस में से भी निकल जाए और नीचे से भी निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने ये इसमें भी मैं कर रही हूँ और इसमें वापस से पचीरा प्लांट लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स बस यही कि हम यूज़ तो कर सकते हैं हर टाइप का प्लांटर और आसानी से उसको हम डेकोर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पानी ड्रेन आउट ठीक से नहीं हो पाता है। तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है ये कि इसमें हमको प्रॉपरली उसके हॉल को नीचे की साइड आ जाए ऐसे सीमेंट भर के उसको कवर कर देना होता है, ठीक है। तो बाहर से गमला दिखेगा भी अच्छा और कोई ना तो कोई टूट फूट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उसमें दूसरे एक्स्ट्रा हॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा प्लांटर भी एज इट इज़ रहेगा और उसमें ये आसानी से हम कोई भी टाइप का प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स दिखाने के लिए यही आइडियाज़ हम कर लेते हैं, गार्डनर लोगों के दिमाग में भी अच्छे अच्छे आइडिया आ जाते हैं, तो हम आसानी से ये सिरेमिक प्लांटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ये मिट्टी के गमले ही ज़रूरी है या फिर ज़्यादा ड्रेनेज हॉल करने की ज़रूरत है, नहीं, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको हम इस तरीके से सरफेस करके ये जो ड्रेनेज हॉल है वो नीचे की साइड हो जाए और आगे की सरफेस ऊपर की साइड हो जाए, ऐसे हम सीमेंट फिल करके हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं उसमें ये पचीरा प्लान रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन मैं बस यही जानकारी आपके साथ शेयर कर रही थी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी आइडियाज़ अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, उसमें ऑल का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के ऊपर कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियोस जो है वो आपको इजीली मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं आगे दूसरे वीडियो ऐसे ही आइडियाज़ लेके आऊँगी और अपनी गार्डनिंग के जो अपने अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, सी यू।